नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज के इस वीडियो में। एंड आज का ये जो वीडियो है, मैं आपको अपने घर का बगिया, बगीचा, बारी या फिर वो एरिया घुमाऊंगा जहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत यू नो ज़रूरत के हिसाब से खेतीबाड़ी करते हैं और कुछ पौधे उगाते हैं, फूल पत्ती और ज़रूरत के पौधे उगाते हैं। बहुत सारे तो मुझे मालूम हैं और कुछ दिन पहले एक कैंपेन चला था, तो अंडर दैट कैंपेन हम लोग को काफ़ी सारे पेड़ मिले थे, तो वो भी हम लोगों ने लगाए थे और उनकी बकायदा केयर भी हो रही है और वो ग्रो अप हो चुके हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बार और पहले मैं दिखा चुका हूँ इस गार्डन का। एट दैट टाइम सिचुएशन और थी, लगभग 1.5 साल हो गए और आज सिचुएशन अलग है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम तो चलता ही रहता है। काम क्या चलता है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन यस, बहुत अच्छा एरिया है, बड़ा सुकून मिलता है यहाँ आके। तो चलिए दिखाता हूँ आपको क्या है, कैसा है और क्या क्या काम चल रहा है। लेट्स गो। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे घर का जो ये, इसको शायद, मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन शायद इसको गुड़हल का पेड़ बोलते हैं। ये देखिए, ये जो फूल लगे हुए हैं ये गुड़हल के फूल बोले जाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, एक पूरा खिला हुआ फूल है, तो इसको गुड़हल बोलते हैं और ये एवरी डे हमारे यहाँ तोड़ा जाता है पूजा के लिए। भगवान को एवरीडे ताज़े फूल चढ़ाए जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। सो ये बेलपत्र का पेड़ है, अच्छा खासा बड़ा पेड़ है। बेलपत्र अगेन भगवान को चढ़ाने के लिए होता है। तीन की, इसमें तीन का पता नहीं क्या हुआ। ये जो देखिए, ये जो है ये पपीता है ये, लेकिन हम लोग के इधर नहीं है ये, बगल में एक अंकल रहते हैं, उनकी बाउंड्री हमारे बाउंड्री से लगी हुई है, सो ये उनका है। पता नहीं, कुछ पत्ते चिड़िया इड़िया होंगी, वो कूद फांद कर रही हैं। सो ये है बेलपत्र का पेड़, अच्छा खासा बड़ा हो चुका है। ये देखिए, इतना मोटा तना है इसका। और ये जो है ये मीठी नीम का पेड़ है। मीठी नीम खाने पीने में डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा, पोहा वोहा बनता है या फिर चूड़ा बनता है या फिर और भी कुछ में यूज़ होता है। और ये है भंडार, ये भंडार है, मीठी नीम का ही भंडार है। मतलब हम लोग के यहाँ जो भी चीज़ लगी है वो अच्छे से लगी है, केयर होती है तो वो अच्छे से बढ़ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये पेड़ तो मुझे नहीं मालूम काहे का है, बट जो भी है तो ये है। उसके बाद ये देखिए, हमारे यहाँ एलोवेरा भी लगा हुआ है, प्रचुर मात्रा में एलोवेरा लगा हुआ है। घर के यूजेज़ में आता है, कुछ मेडिकल के लिए, फिर चेहरे पे लगाने के लिए, कुछ जल जाता है तो उसके लिए ये सबसे बेटर चीज़ है। तो ये एलोवेरा भी लगा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। ये वाला पेड़ जामुन का पेड़ है और ये कुछ दिन पहले ही लगाया गया है, लगभग 1.5 साल पहले कुछ कैंपेन हुआ था उसमें हम लोग को मिला था और तब से ये लगा हुआ है। ओके, सो एक और ये पेड़ है, ये पेड़ है केले का पेड़ बोलते हैं इसको। ये कुछ दिन में, अगले साल तक शायद इसमें फल भी आ जाएंगे, केले भी आ जाएंगे। हाँ, ये जो पेड़ है सामने देख रहे हैं, ये नींबू का पेड़ है। और नींबू मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये बड़ा सा नींबू भी इसमें लगा हुआ है, तो ये नींबू का पेड़ है। और ये देखिए, नीचे जो है ना, यहाँ पे छोटे छोटे खेत सरीके बनाए गए हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है, मतलब साल भर में इसमें 3 से 4 चीज़ें उगाई जाती है, चाहे वो अदरक हो गया, आलू हो गया और छोटे टमाटर, मिर्च वगैरह जो भी है वो उगाए जाते हैं। ये देखिए, ये और एक नया चीज़ है, अगेन ये मीठी नीम हो गई। ये देखिए, ये नींबू का पेड़, एक्चुअल नींबू, ये हरे हरे हैं। और ये जो बड़ा सा आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा पेड़ है आम का, अच्छे खासे आम आते हैं और ये बहुत बड़ा पेड़ है। उसके बाद ये देखिए, ये जो एक पेड़ दिख रहा है, ये वाला, ये हम लोग को डोनेशन में मिला था
और 3 से 4 मिले थे हमारे यहाँ, आगे और पीछे दोनों साइड जगह है तो वहाँ पे लगा दिया गया था। और ये काहे का है मुझे मालूम तो है, लेकिन मिस हो रहा है मुझे अब ये पता नहीं। और ये देखिए ये जो छोटे छोटे गिरे हुए हैं ये, और वहाँ पे भी कुछ गिरे हुए हैं, ये अमरूद हैं, बिही बोलते हैं, अमरूद जामफल जो भी बोल लें, तो ये अमरूद हैं। और ये भी हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में है, मस्त बहुत सारे पेड़ लगे, एक ये पेड़ है, 2 उधर लगे हुए हैं, और हाँ 3 पेड़ हैं इसके भी, और बहुत अमरूद होते हैं बहुत सारे। ये चिड़ियों के लिए दाना पानी भी टंगाया हुआ है। और ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, ये बिही के पेड़ हैं, अमरूद जामफल जो भी बोल लीजिए, ये उसके पेड़ हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हैं। और क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पे यूजली हम लोग शाम को जब अंधेरा हो जाता है, थोड़ा सा लाइट कम होती है, तो हम लोग इधर आना बंद कर देते हैं, क्योंकि सांप आप भी दिख जाते हैं, तो हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, बहुत संभल के आते हैं और अवॉइड ही करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, शाम आम को अवॉइड ही करते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। ये अच्छा खासा पता नहीं मानव शेप में, ये देखिए 2 कान हो गए, ये फेस हो गया, ये 2 हाथ हो गए, ये बीच की बॉडी हो गई, ये मानव फेस में अच्छा खासा तैयार हो गया है कैक्टस। उसके बाद बहुत सारे छोटे 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 पेड़ हैं जो कि हमारे यहाँ लगे हुए हैं। और ये जो गमले आप देख रहे हैं ना, ये गमले ऑलमोस्ट 30-35 साल पुराने हो गए हैं। ये हम लोग पर्सनली अपने घर में बनवाए थे, ऑर्डर देके घर में ही आके बनाया था उसने, और तब से ये बकायदा चल रहे हैं, बहुत मजबूत बने थे ये। ये देखिए ये पर्पल कलर की पत्ती है, इसका भी नाम मुझे नहीं मालूम क्या होता है, और ये शायद घी कुमार है, इसका पत्तियां भी सूखी हुई हैं। और ये देखिए ये छुई हुई है क्या, बहुत सारे पेड़ हैं, नाम भी नहीं मालूम कौन कौन से हैं कौन कौन से नहीं, तो ये सारे पेड़ हैं। और ये हमारा छोटा सा गार्डन है, ये भी एक एरिया है जहाँ पे अकॉर्डिंगली होता है कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है। और एक और पेड़ ये नींबू का है, ये भी ज़बरदस्त नींबू पैदा करता है, और आज सुबह ही कम से कम 15 से 20 नींबू तोड़ के रखे गए हैं। सो गाइस ये है छोटा सा मेरा गार्डन, जो कि ऑलमोस्ट सभी ज़रूरत की चीज़ों के पेड़ों से भरा हुआ है। आम, आम ये रहा, फूल है, मीठी नीम है, एलोवेरा है, जामुन है, नींबू है, बिही है, और यहाँ पे तो लगने ही वाले हैं जो भी है। सो ये छोटा सा गार्डन है, और अगर इन सबको मेंटेन किया जाए तो बहुत अच्छे से आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको सब्जियाँ फल मिल जाते हैं। और अगर घर में कोई इंटरेस्टेड रहता है इनको करने के लिए, तो डेफिनेटली फिर और भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ओके सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड जो गार्डन प्रेमी हैं और जो फूल प्रेमी हैं, पत्ते डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे, तो उनको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड बहुत सारे लोग, पहले भी जब वीडियो डाला था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे मुझे इसकी कलम चाहिए, उसका पेड़ चाहिए उनके यहाँ लगाने के लिए, तो यू आर ऑलवेज़ इन्वाइटेड। अगर कोई आना चाहे, अगर आपको यहाँ से मैं कुछ कर सकूं कि आपके यहाँ भी सेम पौधा पेड़ डेवलप हो जाए, तो इजी टू डू दैट। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो ज़रूर आगे बढ़ाइए, एंड कमेंट करके बताइए गार्डन आपको कैसा लगा, सबसे मेन चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।